हेलो यूट्यूब, आज हम एक फाइल में नंबर ऑफ लाइन, स्पेस, कैरेक्टर, वर्ड काउंट करना देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इंट मेन मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद हम इंटीजर टाइप सी देते हैं कैरेक्टर काउंट के लिए, स्पेस दे देते हैं स्पेस काउंट के लिए, वर्ड के लिए वर्ड दे देते हैं और लाइन के लिए लाइन दे देते हैं कैरेक्टर। टोटल को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो सी इक्वल टू, चाहे गार्बेज वैल्यू नहीं रहे तो इसलिए C इक्वल टू जीरो, स्पेस इक्वल टू जीरो, वर्ड इक्वल टू जीरो और लाइन इक्वल टू जीरो, सिंपल। उसके बाद हम लाइन इक्वल टू जीरो दे दिए और फाइल का लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये रहा फाइल का लोकेशन, एम एम फाइल है, इसमें लिखा हुआ है जो वही कुछ इस तरह है, 1 2 3 4 लाइन है। और ये फाइल का लोकेशन जहाँ आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सी का प्रोजेक्ट मेरा डेस्कटॉप पे है तो youtube.com पे है। तो इसमें हम फिर हम क्या करेंगे, कैरेक्टर, चूँकि एक एक कैरेक्टर काउंट करना है तो ch1 दे देते हैं कैरेक्टर काउंट के लिए। फाइल पॉइंटर दे देते हैं एक, फाइल पॉइंटर दे देते हैं पॉइंटर fp। कंडीशन लगाते हैं इफ, पहले फाइल को ओपन करते हैं, fp इक्वल टू f ओपन, किसको ओपन करना है तो वही mm.txt जो फाइल मैं पहले से बना कर रखा हूँ। और इसको रीडिंग मोड में ओपन करना है, चूँकि राइट नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, इसलिए रीडिंग मोड में ओपन करना है। कंडीशन लगाते हैं इफ fp इक्वल टू नल, यानी या तो फाइल क्रिएट नहीं हुआ या ओपन नहीं हुआ, तब प्रिंट एफ फाइल ओपनिंग एरर और फाइल Not found और एग्जिट कर देना है विथ एरर। अगर 1 देते हैं तो एरर, 0 देते हैं तो विथआउट एरर ओपन हुआ, एग्जिट होगा। सिंपल एक वाइल लूप लगाएंगे और कैरेक्टर को पूरा लास्ट टू मूव कराएंगे लास्ट तक। तो ch इक्वल टू f गेट c कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को रीड करेगा, किसका, fp का, कब तक, जब नॉट इक्वल टू नल, जब नल नहीं, यहाँ इंड ऑफ फाइल होगा, eof नल स्ट्रिंग का होता है ये, इंड ऑफ फाइल यानी फाइल का लास्ट तक, जब तक नहीं जाता है तब तक। c++ चूंकि कैरेक्टर काउंट हो रहा है, यानी जैसे ही लूप चलेगा कैरेक्टर एक एक करके बढ़ता रहेगा। फिर हम यहाँ कंडीशन देते हैं इफ ch इक्वल टू लाइन ब्रेक अगर होगा तो एक लाइन काउंट हो ही जाएगा सिंपली, और ch इक्वल टू अगर नल कैरेक्टर हो तब भी एक लाइन काउंट होगा, लाइन प्लस प्लस, सिंपल हो गया। फिर इफ ch इक्वल टू स्पेस अगर हो और ch इक्वल टू लाइन ब्रेक हो और ch इक्वल टू मेरा नल कैरेक्टर हो, जब ये तीनों होगा तब वर्ड प्लस प्लस होगा, वर्ड प्लस प्लस होगा, सिंपल। फिर हम स्पेस के लिए देते हैं इफ ch इक्वल टू स्पेस अगर हो तो स्पेस प्लस प्लस, लास्ट लाइन, चूंकि लास्ट लाइन और वर्ड चूंकि काउंट हो, इसके लिए हम यहाँ कंडीशन दे देते हैं इफ c ग्रेटर देन 0 अगर हो तब लाइन प्लस प्लस और वर्ड प्लस प्लस, मैसेज देते हैं यूजर को प्रिंट एफ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू %d/n देते हैं लाइन ब्रेक के लिए कॉमा कैरेक्टर के लिए सी था, सी दे दिए। फिर प्रिंट एफ टोटल नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू %d/n, c, सॉरी लाइन के लिए हो जाएगा लाइन लाइन, प्रिंट एफ टोटल नंबर ऑफ
वर्ड इक्वल टू हो जाएगा परसेंट टी स्लैश इन कॉमा हो जाएगा वर्ड, वर्ड को प्रिंट करेंगे, फिर प्रिंट एफ टोटल टोटल नंबर ऑफ स्पेस इक्वल टू परसेंट टी स्लैश इन कॉमा हो जाएगा स्पेस। लास्ट में हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, एफ क्लोज एफ पी और गेट्स चेंज देते स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, को रन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर है वो 82 है, लाइन 4 है और टोटल नंबर ऑफ वर्ड 17 है और स्पेस मेरा कितना है 13 है। इसको हम फाइल में ओपन करके देखते हैं सिंपली, टोटल नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 4 यहाँ है, यहाँ से हम एक इंटर दे देते हैं सिंपली तो लाइन का काउंट बढ़ जाएगा, चूंकि इसको सेव किए, सेव करके हम इसको बंद करके फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट बढ़ गया, साथ में एक वर्ड भी बढ़ गया चूंकि लास्ट में एक इंटर मारा है जिसके कारण वो काउंटिंग बढ़ गया है। तो इस तरह हम आसानी से काउंट, लाइन काउंट हो, वर्ड काउंट हो, सी सी प्लस प्लस जावा किसी में भी सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं। सिंपल है, एफ गेट सी क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर को उठा रहा है सी एच में, फिर क्या कर रहे हैं उस कैरेक्टर, चूंकि एक एक कैरेक्टर उठा रहा है इसलिए सी प्लस प्लस एक एक करके बढ़ रहा है, जितना बार लूप चलेगा कैरेक्टर मेरा काउंट होगा और बढ़ेगा। सिंपल है, लाइन ब्रेक हो या नल कैरेक्टर हो, यानी स्ट्रिंग के लास्ट में ही नल कैरेक्टर और लाइन ब्रेक होता है, तो चूंकि लाइन ब्रेक हो या लर्न कैरेक्टर हो, चूंकि लाइन के लास्ट में होगा ये, तो वो एक लाइन प्लस प्लस यानी लाइन बढ़ेगा मेरा। फिर सी एच इक्वल टू स्पेस हो, स्पेस होगा यानी वर्ड होगा, वर्ड काउंटिंग होगा, क्योंकि लास्ट में लाइन जब नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो या तो नल कैरेक्टर होता है या लाइन ब्रेक होता है, तो वहाँ तो फिर वर्ड काउंट के लिए तो क्या हो, दोनों में वर्ड काउंट एक बढ़ेगा तो बढ़ जा रहा है, क्योंकि लास्ट में स्पेस होता नहीं है, लास्ट में लाइन जब इंड होता है तब उसके लिए स्पेस, और फिर स्पेस के लिए सिंपल है, जितना स्पेस होगा उसको काउंट करके स्पेस काउंट करो, स्पेस बढ़ जाएगा, और लास्ट में चूंकि जो लास्ट लाइन और स्पेस बचा रहेगा उसके लिए सिंपली लाइन प्लस प्लस और वर्ड प्लस प्लस कर दिए हैं। इसके बाद हम सिंपली प्रिंट कर दिए हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल नंबर ऑफ लाइन, और जो लास्ट में हम फाइल को क्लोज किए हैं और गेट सीएस दे दिए हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। इस तरह सेम लॉजिक यूज करके आप जावा सी प्लस प्लस में भी सेम प्रोग्राम बना सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।